सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, स्वागत है एक नए ब्लॉग के साथ। क्या करने आए आज? आज हम आए टाइम पास करने। ठीक है, मौसम काफी अच्छा है आज। और जंगलों के बीच में देखो, मैं डंडा लेके आया हूँ कहीं। जंगलों के और पहाड़ों के बीच में है, और ये जगह बताएंगे नहीं कहाँ पे है। इसी से मारेंगे। हाँ, ये हिडन प्लेस है चंडीगढ़ में, बिल्कुल पास। सो यहाँ पे हम आए रील वगैरह बनाने। इसको रील बनानी थी। सही बात है। मुझे भी बनानी थी, तो सोचा ब्लॉग ही बना लेते हैं। यस। सोचा क्या, बनाने आया था मेन ब्लॉग के लिए आया था मैं, रील्स तो बात की बात है। सो भी जंगल के एरिया में, अब पहाड़ों में जा रहे हैं। पहाड़ों के बीच में एक छोटा सा डैम है, ठीक है। शाम का समय गाइस, देखो सनसेट होने वाला है। बस हमारे सर पे है धूप, सर पे क्या, सामने है धूप। और ये देखो, यहाँ से डैम पे रास्ता है जाने का, और यहाँ से पहाड़ों पे। सो पहले हम डैम पे चलते हैं। गाइस, आपको डैम सेम लग रहा होगा, क्योंकि डैम यहाँ पे सारे सेम है। पारसे डैम, जयंती डैम, सारे डैम सेम है। ये देखो पहाड़ों के बीच में है, बिल्कुल पास में है। चल भी बना। सो गाइस, सेटअप ये रहा हमारा, सस्ता जुगाड़। ये देखो रील्स के लिए है और ब्लॉगिंग के लिए। स्टार्टिंग में ये अभिनव इसी से ब्लॉगिंग करता था, जब उसके पास एंड्रॉयड था। जब से इसके पास आईफोन आया है, ये इसको भूल चुका है। नहीं भाई, कभी कभी इस्तेमाल करता हूँ मैं। चले रील बनाए, बिल्कुल, क्योंकि यार अगर और अंधेरा हो गया तो फिर। सो अब चलते हैं, रील वगैरह बना लेते हैं, क्योंकि अंधेरा हो गया तो रील नहीं बन पाएगा, ठीक है। और रील बनाते बनाते हम शॉर्ट दिखाएंगे अपने ब्लॉग का, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। पर ऊपर देखो मौसम कितना खतरनाक आ रहा है। So guys, sorry, call आ गया था, करते स्टार्ट। चलावे। So guys, रील पे रील बन रही है, ठीक है, और बहुत अच्छी रील बन रही है। यहाँ पे सेटअप हमारा वहाँ पड़ा है, एक गलती हो जा रही है, फिर वहाँ जा रहे हैं, फिर वहाँ से यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से वहाँ पर। तो अभी उदास बैठा है बंदा। चला बनाते हैं, क्योंकि शाम हो रही है, घर भी जाना है हमें। यार वो वाली बनाते हैं जो तूने बनाई। यार इतनी मुश्किल से ना एक वीडियो शूट हुई है, रील्स केजीएफ वाला जो सीन है, जो मैंने बनाया हुआ है, चाचा मेरे लिए काम करोगे। सो भाई ने भी करवाया है भाई शूट। सो अब एडिट करेंगे उसको। ये दिखाया जाएगा, ये देखो गाइस, बहुत मुश्किल से शूट, बहुत मुश्किल से शॉट्स लिए हैं भाई, काफ़ी ज़्यादा शॉट्स लेने पड़े इसके, क्योंकि बाद में एडिट करेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। वो एक बार में बनाने में मज़ा नहीं आता, क्योंकि अलग अलग शॉट्स लेने ना। सो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया हमें, 20 मिनट लगा एक रील बनाने में। सो गाइस देखो, पूरा शाम हो चुका है, सूरज तो दिख भी नहीं रहा भाई, ख़त्म, टाटा बाय बाय। और शाम को देखो गाइस, कुछ लोग ही हैं यहाँ पे जो बैठे हैं। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? मजा आया। ये देखो इस पहाड़ों के नजारे। अब कुछ लोग बोल रहे होंगे कि ये डैम हमने देखा हुआ है। तो गाइस, ये डैम देख के कुछ लोग बोलेंगे कि ये डैम हम पहले भी देख चुके हैं, तो देख चुके तो दोबारा देख लो यार, क्या जा रहा है, ठीक है। अब ये तो है नहीं, एक दिन हम आ गए भाई यहाँ पे, तो दोबारा नहीं आएंगे। काफी अच्छा फील आता, काफी अच्छी भाई बात है यहाँ पे गाइस। आईफोन दिखा रहा है। मार साले का, खोपड़ी तोड़ साले। देखो ट्राइपॉड से लेते हैं शॉट्स। फाइनली 10 रील्स बन चुकी है, और ये 10 रील्स इसके इंस्टाग्राम अकाउंट में मिलेगा। अभी अंडरस्कोर 99115। कितने रील बन गई?
भाई मजा आ गया आज तो गाइस, आज ज्यादा रील बन गया, खुश हो गया। रील आया करेंगे यहाँ पे, पता है लोकेशन भी अच्छी है, ठंडा मौसम है, पानी की वजह से ना ठंडक बहुत है यहाँ पे। क्या कह रहा है मेरे को बोलने से? नहीं मैंने नहीं बोला मैंने बोला सही होगा। तो यहाँ पे ना ठंडक थी तो इतना फील नहीं हुआ गर्मी का, और तीन चार दिन से तो वैसे ही मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। हमारे सामने मोर घूम रहे थे चाहते खुला। यहाँ की यार जो हवा में बात है ना पहाड़ों में, ऐसा लग नहीं रहा कि कसौली वाला रोड है। सही बस यार बस हो गया आज का, बस और नहीं झेल सकता हूँ मैं। एक लिमिट होती है इंसान की, एक एक पॉइंट होता है यार, मैं लाल पड़ जाऊंगा यार, मैं लाल पड़ जाऊंगा। ठाड़ों से तर रहे हम। क्या कह रहे हैं? डंडे से आज वीडियो बन रही है। सो बस गाइस चलते अब घर, शाम हो चुकी है, रेल भी बन चुकी है और छोटा सा ब्लॉग भी शूट हो चुका है। मिलता हूँ एक नई ब्लॉग के साथ, टाटा बाय बाय। Yeah.